नमस्कार, मैं हूँ राजेश मुकुल और आप देख रहे हैं परफ्यूम टॉकीज़। परफ्यूम टॉकीज़ में अक्सर आप मुझे सजेस्ट करते रहते हैं नए नए परफ्यूम्स के रिव्यूज़ के बारे में। तो उन्हीं में से आज आपके ही सजेशन पर आपने पूछा था कि कोई वैनिला बेस्ड अच्छा परफ्यूम सजेस्ट कीजिए जो कि बजट में हो, कम दाम में हो और अच्छी लॉन्जिविटी उसकी रहती हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो मैंने परफ्यूम सेलेक्ट किया है वो है बॉम्बे शेविंग कंपनी का वेलेनो। वेलेनो इसके बारे में बहुत कम आपने सुना होगा, बहुत कम इसके रिव्यूज़ हैं यूट्यूब पे भी और किसी भी सोशल मीडिया पे आपको इसके रिव्यूज़ बहुत कम मिलेंगे। इसको मैंने एक साल पहले परचेज़ किया था और इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आपने जैसा पूछा था कि कोई अच्छा वेनिला बेस वाला परफ्यूम के बारे में रिव्यू करिए, तो मुझे ध्यान आ गया इस वेलेनो का। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का है, इसका नाम है वेलेनो। इसकी बॉटल आप देख रहे हैं, कांच की बॉटल है, अच्छी बॉटल है, अच्छी लगती है। नीचे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, ऊपर डार्क ब्लैक है और इसका जो एटमाइज़र है वो सिल्वर कलर का है। बहुत सिंपल सी बॉटल है, अच्छे तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई। यहाँ पे सिल्वर कलर से वेलेनो है और यहाँ पे बॉम्बे शेविंग कंपनी का लोगो है, एटमाइज़र सिल्वर कलर का है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। इसका जो फर्स्ट नोट आता है ना, वो थोड़ा सा सिट्रसी और थोड़ा सा स्पाइसी आता है। सिट्रसी में भी जो नेरुली होती है ना, ऑरेंज का जो फूल होता है नेरुली, उसकी जो सिट्रसनेस होती है, उसकी जो स्वीटनेस और थोड़ी सी बिटरनेस होती है, वैसी थोड़ी सी स्मेल इसकी शुरुआत में आती है। साथ में ही इसकी कार्डमम और नटमेग की जो स्पाइसी स्वीट स्मेल है वो इसमें शुरुआत में आती है। तो शुरुआत से एक अच्छा एहसास देता है, बाद में ये जाके थोड़ा सा फ्लोरल हो जाता है। फ्लोरल में भी जैस्मिन और रोज़ की जो स्मेल है वो लगता है जैसे कि सैंडलवुड की लकड़ी पे एकदम बिछी हुई है वो स्मेल। इसको आप शाम के वक्त यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या मॉर्निंग में इसको आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में तो मेरे ख्याल से उतना आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन अगर आप शाम को ठंडे, थोड़े से ठंडे माहौल में इसको यूज़ करते हैं तो ये एक अच्छी स्मेल है। तो गर्मियों की शाम के लिए एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, वनीला बेस है, थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा स्वीट भी है और इसमें जैस्मिन और रोज़ का जो फ्लोरल इफ़ेक्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है। इसका प्रोजेक्शन आधे से एक घंटे का रहता है और इसकी जो लॉन्जिविटी है वो करीब 4 से 5 घंटे तक रहती है। अगर आप इसको कपड़ों पर लगा कर रखेंगे तो 7 से 8 घंटे तक भी आपके कपड़ों पर इसकी स्मेल आती रहेगी, लेकिन अगर आप इसको बॉडी पर यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी पर 4 से 5 घंटे तक ही रहता है। और इसका जो प्राइस है, इसको आप अगर फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे तो ये 499 का मिल जाएगा। ये 100 ml की बॉटल है, 499 के आसपास इसका आप देख लेंगे तो प्राइस आपको मिल जाएगा। ऑफ़र अगर हुआ तो और भी सस्ता मिल सकता है। तो एक अच्छा फ्रेग्रेंस है गर्मियों की शाम के लिए। दिन में तो नहीं कह सकता मैं कि आप इसको दिन में लगाइए, लेकिन गर्मियों की शाम के लिए एक स्पाइसी और वेनिला की खुशबू के साथ अगर आप परफ्यूम चाहते हैं तो ये परफ्यूम अच्छा है शाम के वक्त यूज़ करने के लिए। वेलेनो की ओपनिंग होती है थोड़ी सी सिट्रसीनेस के साथ साथ मीठे स्पाइसेस जैसे कार्डमम और नटमेग के साथ। बाद में ये थोड़ा सा फ्लोरल हो जाता है, मिड नोट्स इसके फ्लोरल हैं, जैस्मिन और रोज़ की महक आती है, थोड़ा सा सैफ्रन का इफेक्ट भी आता है और इसके बेस में वेनिला और सैंडलवुड की स्मेल आती है जो कि जैस्मिन और रोज़ के फ्लोरल इफेक्ट के साथ मिलकर बहुत ही शानदार स्मेल आपको देती है। तो गर्मियों की शाम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेलेनो को ले सकते हैं। दिन में मत लगाइएगा, बहुत तेज़ आपको लगेगा, शाम को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी स्मेल इसको कह सकता हूं। इवनिंग पार्टी के लिए एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, वेनिला और सैंडलवुड इसका बेस है, फ्लोरल इफेक्ट इसमें है जैस्मिन और रोज़ का और शुरुआत इसकी होती है थोड़ी सी सिट्रसी और स्पाइसी। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वेलेनो का ये छोटा सा रिव्यू? इसके बारे में मैंने आपको बताया कि गर्मियों की शाम के लिए एक पार्टी परफ्यूम है, अच्छा परफ्यूम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नए नए परफ्यूम के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। फिर किसी नए परफ्यूम की जानकारी के साथ आपसे मुलाकात हूँ, चलता हूँ, नमस्कार।